Hey students, a very warm welcome on Adda 24/7, a government job in your pocket. तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. पहली बात तो भाई काफी सारे बच्चे कमेंट सेशन पूछ रहे हैं क्या मैम कल का क्लास हुआ था. बच्चा कल का क्लास नहीं हुआ. आज आपके सामने रीजनिंग का सेशन है और अब आपके पास कंटिन्यू आपके पास प्रोसेस में रहेगा. हमने आज का जो टॉपिक आपके पास रखा है वो ओवरऑल कंप्लीट पोर्शन अगर एग्जाम में आता है तो वो कैसे आएगा उसके बारे में डिस्कस किया है. 35 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास पेपर में आने हैं और 35 क्वेश्चंस ये आपके पास 35 नंबर ही हैं जो कि आपको दिलवाने वाले हैं. और लेकिन अगर बात की जाए तो समय सीमा जो कि यहाँ पर अहम भूमिका निभाएगी, रीजनिंग का पोर्शन हो, मैथ्स का हो या इंग्लिश का हो, इन सभी के अंदर अहम भूमिका निभाने वाला है आपका टाइमर. टाइम आपके पास होगा केवल 20 मिनट और आपको क्वेश्चन करने होंगे 35, 35 और 30 की बात करें तो. हमारे पास अगर हम बात करते हैं हमारे रीजनिंग पोर्शन की, स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे लेकिन पेपर लेंथी होने वाला है. तो आपको करना क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा. कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में समय को बचाते हुए आपको आंसर्स करने होंगे लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपका समय लेंगे ही लेंगे. अगर हम बात करें जो कि आपका समय कंज्यूम करेंगे, दैट वॉज योर सेटिंग एंड योर पजल. बाकी सब आप जो की है आराम से तसल्ली से कर जाओगे प्री के पेपर में. एसबीआई क्लर्क का पेपर है तो आपके पास में ये बहुत ही आराम से आएंगे लेकिन फोबिया है हमें. पजल्स एंड सिटिंग आ गया तो भाई हाथ पांव कांपने लग जाते हैं. पेपर में लगता है बनाए या ना बनाए, बनाए तो कहीं गलत बन गया तो. ये इतनी सारी बातें जो माइंड में क्रैश करती है तो सबको डर को सबसे पहले इसको खत्म करते हैं. कैसे खत्म करना है इसको, इतनी बार प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में आए तो आपको ये तो मैं सबसे पहले कर दूंगा. लेकिन हाँ, पेपर में आपको सबसे पहले सेटिंग और पजल नहीं करने, आपको पूरा पेपर कर लेना है. आपको टाइमिंग कुछ ऐसे डिवाइड करना है, इस 20 मिनट को 8 और 12 में आपको डिवाइड करना है. 8 मिनट आपके पास बाकी के पूरे 25 क्वेश्चंस को करने में देना है और आपके 12 मिनट आपको क्या है इन दो टॉपिक्स के लिए सेव करके रखने हैं. ये आपको टाइम मैनेजमेंट का सीक्वेंस करना है. बाकी की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपके 8 मिनट में कैसे करने, रूटीन बेस पे आपके पास प्रैक्टिस रहेगी. लेकिन आज हम जो है इन 12 नंबर्स को सिक्योर करेंगे सिटिंग्स एंड पजल्स के साथ में. सॉरी, हमारे पास में 10 नंबर जो है, 10 आपके पास 12 मिनट थे, 12 मिनट को आपने जो की है ऐसे इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो कि आपके पास देना है. तो आज इन 10 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है तो देखते हैं. हमारे पास में सिटिंग के अकॉर्डिंग एक सिटिंग आएगा, एक पजल आएगा, 5-5 क्वेश्चंस कवर होंगे. दैट मींस दो पोर्शंस बनाने से स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 नंबर मिलेंगे और पक्के हैं कि ये आएंगे ही आएंगे. कैसे कैसे पैटर्न में पूछे जा सकते हैं आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे. सो मेक इट श्योर आज का भाई जो सेशन है उसमें प्लीज एक काम कर दीजिए, सभी बच्चे क्लास के लिंक को कॉपी कीजिए और शेयर कर दीजिए क्योंकि काफी सारे बच्चों तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाई है. जस्ट अभी सेशन आपके सामने आया है तो काफी सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि भाई रीजनिंग का सेशन अलर्ट 24/7 पर स्टार्ट हो चुका है. सुबह 11 बजे की क्लास है आपके पास, रीजनिंग का टाइमिंग रहता है. तो भाई फटाफट से क्लास के लिंक को कॉपी करते हुए शेयर कीजिए. वी आर रेडी. विकास, प्रोमिला, आशीष, राहुल, मेघा, अजय, अक्षय, दे ऑल आर सेइंग. चलिए देखते हैं हमारे पास में सबसे पहले अगर सिटिंग एंड पजल से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमारे पास आज जो है हम कुछ सिलॉ के क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास अगर इनइक्वालिटी का कोडेड फॉर्म आ जाए तो कैसे करना है. वैसे तो इनइक्वालिटी आपके पास में कोडेड फॉर्म में प्री में आने के चांसेस बहुत कम है लेकिन अगर आ गए तो कैसे करना है. और कल से आपके पास हमारे पास में वेनसडे की बात करें, आपके पास थर्सडे की बात करें, फ्राइडे की बात करें और सैटरडे की बात करें तो आपके पास इन पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस कैसे कैसे किस पोर्शन से आएंगे इनके बारे में रिवीजन कराएंगे आपके पास. सो मेक इट श्योर इन सब की तैयारी के लिए फटाफट से कॉपी पेन को पिक कर लो, ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है. एक एक मिनट का समय मिलेगा आपको हर एक पजल और सिटिंग के ऊपर. अब बात कहते हो मैम पेपर में कह रहे हो 5 मिनट का समय और यहाँ पर आप दे रहे हो हमें एक एक मिनट. एक मिनट का टाइमर देंगे ताकि आप फटाफट से उसको कवर कर सके और छोटा सा सेशन रखेंगे जिससे कि आप उसको रिवाइज भी कर सके. तो चलिए आई रिक्वेस्ट फ्रॉम माय टेक्निकल टीम कि आपके पास में टाइमर आपके अप्लाई कर देंगे. हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हमें हाइड कर दीजिएगा और टाइमर अप्लाई कर दीजिएगा. चलिए बच्चा लोग फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए सेशन को. क्वेश्चन जिसका हो जाए डन लिख दीजिएगा, टाइमर प्लीज कहीं ब्लैंक वाले स्पेस पे आप मैनेज कर दीजिएगा. यहाँ हाँ कहीं पर भी अगर हो सकता है तो
नहीं तो यहाँ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 7 persons हैं, 7 छुप भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चों को पता लग गया है 7 व्यक्ति हैं। टेक्निकल टीम यहाँ पर कर दीजिए कहीं टाइमर, क्योंकि वहां से ना क्वेश्चन कट रहा है, यहाँ या यहाँ कहीं भी कर दीजिए। टेक्निकल टीम इसके खत्म होते एक बार फिर से 1 मिनट का टाइमर चला दीजिएगा। बच्चा बिल्कुल रीडेबल है, हम खुद पढ़ पा रहे हैं। वेरी गुड। पृथ्वीराज कह रहे हैं डन हो गया है मैम। विकास इज ऑल्सो सेइंग डन। अखिलेश भी कह रहे हैं डन हो गया है मैम। विधि, हर्ष, बहुत बढ़िया। लास्ट 19 seconds। ओके, यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स का डन आने लगा है, टाइमर भी रुक गया है। चलिए देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन क्या होगा। टेक्निकल टीम हमें हाईडी रखिएगा ताकि क्वेश्चन के स्क्रीन पर दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले कहा जा रहा है 7 peoples और इन सभी का नाम आपको दे दिया। फिर कहता है दे ऑल आर लाइक्स अ डिफरेंट डिफरेंट मूवीज, इन सभी को अलग अलग मूवीज देखना पसंद है। एंड ईच पर्सन ऑल्सो वर्क इन द सेम ऑफिस बट ऑन अ डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशंस, और डेजिग्नेशंस के साथ आपको बता दिया है डेजिग्नेशंस आर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपीरियंस, अटेंडर बीइंग द लीस्ट एक्सपीरियंस। हमारे पास जो अटेंडर है वो क्या है, सबसे कम उसका एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस किसको होगा, सीईओ को होगा। तो सबसे पहले आपके पास सीईओ आ गए, अगर हम बात करें 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो जैसे कुछ फ्लोर वाला पजल बनाते हैं वैसा कुछ नहीं बन गया। सीईओ के बाद पोस्ट होगी एमडी की, फिर होगी आपके पास में मैनेजर की, ये देखो हम यहीं से लिख रहे हैं बच्चा, एडवाइजर होंगे फिर आपके पास में, फिर आपके पास में ओके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, फिर आपके पास स्टेनोग्राफर होंगे, फिर आपके पास क्लर्क हैं, और लास्टली आपके पास अटेंडेंट हैं। ये आपको डेजिग्नेशंस का चार्ट फिक्स करके बता दिया, यहीं से आपकी क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले कहता है धीरज डज नॉट लाइक द जोकर, हमें जानकारी मिली हमने लिख लिया, धीरज नाम से कोई व्यक्ति है उसको जोकर मूवी पसंद नहीं है, लिखकर हमने क्रॉस कर दिया। सोनू इज अ जूनियर टू अपर्णा, सोनू जो की है हमारे पास में
अपर्णा का जूनियर है, लेकिन कितना जूनियर है हमें नहीं पता, बस अपर्णा से कहीं नीचे आएगा ये फिक्स है। निशा इज अ सीनियर टू प्रीत, निशा जो कि है सीनियर है प्रीत से, दैट मींस आपके पास निशा कहीं ना कहीं अबव आएंगी, एंड जूनियर ये वाला एंड आ जाए, बट आ जाए, कॉमा आ जाए, दैट मींस पहले व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। कहता है एंड जूनियर टू द वन हु इज हु लाइक स्टार वर्क, जिसको आपके पास में स्टार वार पसंद है मूवी, उसका क्या है, जूनियर है ये। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनता है। अब यहाँ नाम क्या होगा पता नहीं। नेक्स्ट कहता है द वन हु लाइक्स फरोज फ्रोजन इज सीनियर टू द वन हु लाइक स्टार वर्क्स। तो यहाँ पर आपके पास में फ्रोजन जो कि है यहाँ पर इससे भी अबव आ जाएगा, क्योंकि ये स्टार वर्क का भी क्या है, सीनियर है। हमारे पास फिर से एक आपके पास जो कि है फोर इंफॉर्मेशन एक साथ कलेक्ट हो गई। आगे कहता है अपर्णा नीदर लाइक्स इरिश मैन नॉर अ सुपरमैन। अपर्णा को ना तो इरिश मैन पसंद है, क्रॉस कर दो, ना ही सुपरमैन पसंद है, क्रॉस कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। द वन हु लाइक्स इरिश मैन इज सीनियर टू सोनू। जिसको इरिश मैन पसंद है मूवी, वो क्या है आपके पास में सोनू का सीनियर है, दैट मीन सोनू कहीं ना कहीं यहां होगा। अब अपर्णा यहां भी हो सकता है, यहां भी कंफर्मेशन नहीं। इसके आगे पढ़ते हैं ओनली वन पर्सन इज मोर एक्सपीरियंस देन द हु लाइक्स जोकर। देखो यहां से समझना इस लाइन को, कहता है केवल एक व्यक्ति ओनली वन पर्सन इज मोर एक्सपीरियंस देन द वन हु लाइक्स जोकर, दैट मीन्स जोकर आपके पास यहां पर क्या हो गया, कंफर्म हो गया। यहां पर आपके पास जोकर हो गया, किसको पसंद होगा नहीं पता, हमने नेम छोड़ दिया। आगे कहता है ज्योति इज नीदर सीनियर नॉर और सॉरी ईदर सीनियर और जूनियर टू द वन हु लाइक जोकर। अब यहां पर आपके पास दो कैटेगरीज बन जाती हैं। ज्योति आपके पास यहां आ सकती हैं, या फिर ज्योति आपके पास यहाँ पर भी आ सकती हैं। हमने दोनों जगह क्रिएट कर दिया, क्योंकि या तो ये बड़ी होंगी या फिर ये छोटी होंगी। नेक्स्ट कहा जा रहा है आपके पास में द वन हु लाइक्स जोम्बाई लैंड इज द जस्ट जूनियर टू द धीरज एंड सीनियर टू अपर्णा। जिसको हमारे पास में जोम्बाई पसंद है मूवी, वो क्या है, जस्ट जूनियर है, जस्ट सीनियर टू अपर्णा। अपर्णा के जस्ट जो है सीनियर होगा, एंड जूनियर एंड द वन हु लाइक इज जस्ट जूनियर टू धीरज, और जूनियर धीरज से क्या है, जस्ट आपके पास में छोटा है, और धीरज को जोकर पसंद नहीं है। अब देखो इन तीन के साथ हमारे पास ये कुछ पोर्शंस कवर हो जाते हैं सोनू और अपर्णा के साथ में। सोनू आपके पास यहाँ कहीं ना कहीं आएगा, और इनके साथ 1 2 3 4 का आपके पास पेयर यहाँ पर है, सेम एज इट इज, सेम सीक्वेंस आपके पास है। बच्चा हिंदी में ऑलरेडी राहुल था क्वेश्चन, आप उसको हिंदी में देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को बैक साइड करते हुए आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर हो गई इन्फॉर्मेशन खत्म, अब इसको सारे को आपको अरेंज करना है। दो पॉसिबल सिचुएशंस ली, अब यहाँ पर 1 2 3 4 आपके पास प्लेसेस थी, तो 1 2 3 4 अगर हम यहाँ पर अरेंज करते हैं तो हमारे पास ये वाला पोर्शन भी आना चाहिए एज इट इज। अगर ज्योति को हमने टॉप पे किया तो हमारे पास में धीरज यहां पर आ सकते हैं इस केस में, लेकिन धीरज को जोकर पसंद नहीं, तो दैट मीन्स धीरज यहां तो कभी नहीं आएंगे। तो धीरज को हमने जब यहां पर प्लेस किया तो यहां पर आपके पास जोम्बाई मूवी आ जाएगी, यहां पर इसके जस्ट बिलो अपर्णा होंगी। अपर्णा के साथ में आपके पास में क्या है दिया गया है, इन सबके साथ आपके पास में दैट इज इनके बिलो होंगे सोनू, तो सोनू यहाँ पर कहीं पर हो सकते हैं। निशा प्रीत एंड हमारे पास फ्रोजन लैंड मूवी के बारे में बोला गया है, प्रीत के अबव होगी निशा, तो अगर हम यहाँ पर प्रीत को अरेंज करें तो यहाँ पर आपके पास में निशा आ जाएंगी। निशा के अबव कहीं स्टारवर्ड, और स्टारवर्ड के कहीं अबव क्या है
आपके पास में फ्रोजन मूवी होनी चाहिए। स्टार वार यहाँ पर आ सकता है, धीरज को पसंद है या नहीं ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया। और फ्रोजन सबसे ऊपर आपके पास में यहाँ पर अरेंज किया जा सकता है। और आपके पास में देखे तो सभी पर्सन्स अरेंज हो गए, सभी के सभी पर्सन्स में से अगर हम देखें राखी अभी तक कहीं पर अरेंज नहीं हुई, तो राखी यहाँ पर आ गई। अगर हम दूसरे डायग्राम को इसी के साथ में देखें तो हमारे पास में धीरज अब आपके पास यहाँ पर हो नहीं सकता, हो सकता है धीरज सबसे टॉप पे हो जाए। धीरज के साथ में अगर आप देखें तो जोम्बाई यानी कि धीरज यहाँ भी नहीं होगा, धीरज यहाँ भी नहीं हो सकता। धीरज अगर आप यहाँ पर करते हैं इस केस में, अगर यहाँ पर धीरज को आपने किया, यहाँ पर आपके पास जोम्बाई मूवी आ जाएगी और इसके बिल्कुल नीचे आपके पास में ये सीक्वेंस आ जाएगा। दैट इज अगर हम बात करते हैं अपर्णा यहाँ पर आ जाएंगी, क्योंकि धीरज जस्ट अबव है इसके, तो जोम्बाई आपके पास यहाँ पर, हियर इज अ जोम्बाई, यहाँ पर अपर्णा, लेकिन फिर ये वाला पोर्शन कहीं ना कहीं क्लैश करेगा, दैट इज ये वाला पोर्शन गलत हो जाएगा, सिर्फ ये वाला एक सीक्वेंस सही रहेगा। अब आपके पास जो इरिश मूवी थी वो कहीं ना कहीं सोनू के अबव थी, तो इरिश यहाँ आ सकती है आपके पास में, लेकिन अपर्णा को ना इरिश पसंद है ना सुपरमैन पसंद है, कोई बात नहीं, तो इरिश मूवी यहाँ पर अरेंज हो गई, सुपरमैन सोनू को पसंद हो जाएगी। एक मूवी आपके पास बच जाती है, जुम्बानजी आपके पास बच जाएगी, तो वो आपके पास ऐसे आ जाएगी। एक बार फिर फटाफट से एक बार हमें चेक करके बताइए किस किस का सेम एज इट इज बना है, डिट्टो लिख दीजिए फटाफट से। सिलॉग कराएंगे, डू नॉट वरी बच्चा, कल का पोर्शन सिलॉग पे ही रहेगा। ओके, काफी सारे बच्चों ने यहाँ डन बोला था भाई पहले, अब क्यों स्कीप वाला आ रहा है पोर्शन। 5 मिनट हमने आपको वहां पर पेपर में, 6 मिनट दिए हमने आपको एग्जाम में, बाकी पूरा पोर्शन जो कि आप आराम से तसल्ली से उसमें कर जाओगे, लेकिन अगर आप 5 मिनट भी लेके चलो तो क्या 5 मिनट में आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को? बिल्कुल कर पाओगे। यस मैम, क्लियर क्लियर क्लियर, डिट्टो है हमारे पास में। चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रब कर दीजिए मैम, ये लीजिए पूजा, बिल्कुल डिलीट कर दिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये लीजिए गलत था इन्फॉर्मेशन तो उसको हटा दिया, ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, हमारे पास क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमें टेक्निकल टीम सामने लाइए, हाउ मेनी पर्संस आर सीनियर टू द वन हु लाइक्स जुम्बानजी, जुम्बानजी से बताइए सीनियर कौन है यहाँ पर पर्सन। तो हमारे पास वापस चलेंगे अरेंजमेंट पे, तो यहाँ पर जुम्बानजी से बिल्कुल सीनियर कौन है, धीरज या फिर स्टार वर्ड वाला मूवी जिसको पसंद है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ओके कितने पर्सन है, हाउ मेनी पूछा है, तो हमारे पास 1, 2 एंड 3 तीन पर्सन है जो कि सीनियर है, तो हम यहाँ पर काउंटिंग करते हुए 3 आपके पास आंसर आने लगा है, यहाँ पर सभी का आंसर आ गया है, डन। 3 आपके पास आंसर होगा हिंदी में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज द जस्ट जूनियर टू ज्योति, फटाफट से हमें कमेंट सेशन में आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, 4, 4, 4 आंसर आने लगा है। लेट इज सी के हमारे पास क्या डी ऑप्शन होगा, जस्ट ज्योति के जूनियर कौन है हमारे पास में। अगर हम देखें तो ज्योति हमारे पास यहाँ है, राखी है, राखी हमें कौन से ऑप्शन में मिलती है, राखी हमें डी ऑप्शन में मिलती है, दैट इज अ फोर्थ ऑप्शन, एब्सोल्युटली राइट है आप सभी का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार फटाफट से चेक कीजिए और इसका आंसर बताइए। यहाँ पर ट्रू भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ आपके पास फिलहाल नॉट ट्रू पूछा है, बताइए दी गई जानकारी में कौन सा इन्फॉर्मेशन आपके पास में या कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। स्टेनोग्राफर जो कि है उसको अपर्णा स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे और उसको जुम्बानजी पसंद है, क्या ये सही है, ये चेक करना है। सीओ ज्योति फ्रोजन आपके पास, फिनिशियल एडवाइजर निशा स्टारवर्ड, ये सब आपको फटाफट से चेक करना है, बताना है हमें, थोड़ा स्पीड मेंटेन करते हुए बताएंगे। चलिए देख लेते हैं हमारे पास में, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ज्योति को फ्रोजन पसंद है और बिल्कुल सीओ है यहाँ पर आपके पास में, तो यहाँ पहला ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही। अपर्णा की बात करें तो अपर्णा भाई आपके पास में
अगर यहाँ देखें स्टेनोग्राफर है, जुम्बानजी पसंद है इसको, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन भी क्या हो गया, बिल्कुल सही। फाइनेंशियल एडवाइजर की बात करें तो हमारे पास निशा की बात की जा रही है, स्टार वर्ड मूवी पसंद है इनको। हमारे पास में निशा को फाइनेंशियल एडवाइजर है लेकिन जुम्बानजी पसंद है, दैट मीन्स आपके पास में ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, ये बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस सबके आंसर्स आप हमें बताएंगे। लेकिन बढ़ेंगे नेक्स्ट पजल की तरफ, नेक्स्ट पजल आपकी स्क्रीन पर है। टेक योर टाइम बट 2 मिनट्स, एक एक मिनट का टाइमर दे रहे हैं, अगर किसी ने 1 मिनट में आंसर कर दिया तो इसका सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, नहीं तो 1 मिनट टाइमर रिपीट कर देंगे। भाई कुछ बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक हमसे पूछ रहे हैं मैम सेशन का टाइमिंग क्या रहेगा, तो भाई क्लास का टाइमिंग, सेशन को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक बटन पे हिट करते रहिएगा। जी ऑफ कोर्स, आज SBI PO महापैक की क्लास होगी, बिल्कुल होगी नवदीप कौर जी, और साथ में SBI PO की 2 बजे सेशन भी आपके पास होगा। महापैक का आपके पास इन्फॉर्मेशन जैसे रहेगा वो आपको मिल जाएगा, क्लास का जो शेड्यूल है वो आपके पास बिल्कुल हमारी टीम के द्वारा शेयर किया गया होगा। फ्री में देखो बच्चा, इससे कहीं ना कहीं कम लेवल भी मिल सकता है आपको, इससे ऊपर लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, डू नॉट वरी। ये क्वेश्चंस कर लिए तो एग्जाम आप बड़े आराम से तसल्ली से क्लियर कर जाओगे। बच्चा आपको टफ और इजी सारे प्रैक्टिस करने हैं, इसलिए आप इसलिए मत सोचो कि मुझे सिर्फ प्री है तो इजी प्रैक्टिस करने है। अगर टफ आ गया तो क्या होगा मैम, रीजनिंग तो बहुत मुश्किल था, हम ये नहीं सुनना चाहते, हम सिर्फ इतना सुनना चाहते हैं प्री में 35 क्वेश्चन आते हैं, जब आप हमें एनालाइजर में मिले तो आप सभी कहें कि मैम हम 35 के 35 क्वेश्चन करके आए हैं। हम इसलिए आपको ऐसी तैयारी करवाएंगे यहाँ पर YouTube पे भी, हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस में भी, कि आपके पास प्री में एग्जामिनर इजी दे चाहे टफ दे, आप उसको अटेम्प्ट कर सके। तो कभी किसी सेशन में इजी भी लाएंगे, किसी सेशन में टफ आए तो उसको कोशिश किया करो सॉल्व करने की। चलिए फिलहाल हमारे पास देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले कहा जा रहा है देर आर 6 पर्संस, दे ऑल हु अटेंड द सेमिनार्स ऑन द डिफरेंट डिफरेंट डेट्स, 2 तारीख आपको दे दी गई है, मंथ दिए गए हैं साथ में 3 मंथ, तो हमारे पास 3 मंथ दिए गए हैं फरवरी, मार्च एंड आपके पास 3rd मंथ जो है जून आपको दिया गया है। फरवरी में 28 या 29 दिन हो सकते हैं, 31 दिन आपके पास मार्च में होते हैं कंफर्म है, और जून में आपके पास 30 डेज होते हैं, हमने लिख लिया, कहीं पर रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको जरूर यूटिलाइज करेंगे। 2 डेट हमें दी गई है 19 और हमारे पास में 20, तो हम इन दोनों डेट्स के अकॉर्डिंग पर्सन को प्लेस करने के लिए अरेंजमेंट बना लेते हैं।
हेयर इज योर मंथ, ये हमने डेज अपनी सुविधा के लिए लिख लिए यहां पर, 19 एंड 20 हर एक मंथ की दो दो तारीख में 6 पर्सन हैं, यानी कि हर मंथ में दो दो व्यक्ति होंगे। फिर कहता है दे ऑल ऑल्सो हैव अ डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड, 2 year 1 2 year, हर किसी को अलग अलग एक्सपीरियंस है। 6 आपके पास एक्सपीरियंस दे दिए, ऑल द इंफॉर्मेशन आर नेसेसरी इन द बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर पे ऐसा हो जरूरी नहीं है, जो पहले दिया है वो पहले अरेंज हो ऐसा नहीं है, अरेंज करते हैं यहां से डी से। डी हैज मोर एक्सपीरियंस देन सी, ओके डी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, सी से लिख दिया। एच डज नॉट अटेंड द सेमिनार इन द मंथ ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, अब नंबर ऑफ डेज किस में ज्यादा है, मार्च में, दैट मीन्स यहां पर एच नहीं होगा, हमने तुरंत लिखकर क्रॉस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, द वन हु वर्क्स इन द कंपनी A12, ओके यहां पर बोला गया है सम ऑफ देम वर्क इन अ A12 कंपनी एंड सम ऑफ देम आर वर्किंग इन अ A14 कंपनी, दो कंपनी भी हैं आपके पास में। द वन हु वर्क्स इन अ A12 कंपनी हैव मोर एक्सपीरियंस देन ई, जो A12 कंपनी में काम करेगा उसके अंदर ई से कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, कितना ज्यादा है हमें नहीं पता। इसमें भी हमें सिर्फ इतना पता था कि डी को एक्सपीरियंस ज्यादा है, सी से जस्ट ज्यादा है या कितना नहीं पता, बट लेस देन बट आ गया, बट का मतलब शब्दों, बट का मतलब है ये वाला व्यक्ति, द वन हु वाला, तो ये वाला जो व्यक्ति है जो ई से ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है, लेकिन ये क्या है बी से एक्सपीरियंस कम रखेगा, जानकारी मिली लिख लिया। सी अटेंड्स द सेमिनार इन द मंथ ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ डेज, दैट मीन्स सी कहां पर अटेंड करेगा, फरवरी में, लेकिन फरवरी में भी दो तारीख है नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, नॉट मोर देन 2 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन सी एंड एच, सी अगर 1 2 किया तो यहां पर एच आ नहीं सकता, दैट मीन सी को यहां 1 और 2 व्यक्ति आपके पास है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे, तो 2 से ज्यादा नहीं होंगे तो हमारे पास दोनों ही केसेस में इसके ज्यादा आपके पास कवर नहीं हो सकता, क्योंकि सी का पोजिशन यहां पर कंफर्म है, तो यहां पर एच का पोजीशन भी कंफर्म, 2 डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रही। आगे बढ़ते हैं, फिर आपके पास कहा जा रहा है एच वर्क्स इन अ कंपनी, मैम ये लास्ट लाइन फिर से पढ़ दीजिए, फिर से ले लीजिए, नॉट मोर देन 2 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन सी एंड एच, सी और एच के बीच में 2 से ज्यादा व्यक्तियों का गैप नहीं होना चाहिए, 1 का गैप हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा 2 का, अगर हम 1 का गैप रखते तो भी एच यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए हमने कम से कम सी और एच में 2 का गैप रखा मैंडेटली। आगे बढ़ रहे थे, एच वर्क्स इन अ A14 कंपनी, एच जो कि है हमारे पास में A14 कंपनी में जॉब करता है, हमने साइड में लिख दिया, एंड हैव अ मैक्सिमम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और इसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, दैट इज इसके पास जो एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, 19 इयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस होगा, साथ में वो 9 इयर्स, सॉरी इस वन को हटाएंगे, 9 इयर्स का यहां पर 9 दिया गया है। फिर कहता है आपके पास द वन द सम ऑफ द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द वन हु वर्क्स इन A12 एंड B इज 9, इन दोनों के एक्सपीरियंस का जो सम है वो क्या है, 9 होना चाहिए। 9 किससे बनता है, केवल 2 डिजिट से बनता है, 7 + 2 = 9, 5 + 4 = 9, दैट मींस अब हमारे पास में इन दोनों की अगर हम बात करें, हमारे पास में A12 और आपके पास B का जो सम है वो 9 होना चाहिए, तो 5 और 4 हो सकता है, 7 और 2 हो सकता है, अप एंड डाउन कंफर्मेशन नहीं। फिर कहता है आपके पास में ई डज नॉट हैव द लीस्ट एक्सपीरियंस, ई के पास में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये बात कंफर्म कह दी। नो वन अटेंड्स द सेमिनार आफ्टर बी, बी के बाद में कोई भी सेमिनार को अटेंड नहीं करता है, दैट मींस बी के पास क्या है आपके पास में सबसे लास्ट में बी अरेंज होगा, यहां पर आपके पास बता दिया गया बी यहां पर अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एंड ए वर्क्स इन अ कंपनी A12, ए जो कि है A12 कंपनी में जॉब करता है,
ये बात आपको बता दी गई, इन्फॉर्मेशन मिली, हमने लिख दिया, ये अरेंज हो चुका था पहले, एंड अटेंड द सेमिनार ऑन 20th of March। यहाँ पर आपको तारीख के साथ में दे दिया है, दैट मीन्स ए आपके पास यहाँ होगा, ए 12 आपके पास होगा। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास में इसी के साथ में बोला गया है ए 12 के साथ में बी का एक्सपीरियंस था, तो हमारे पास हो सकता है ए को एक्सपीरियंस 5 का हो और बी को 4 का, क्योंकि हमारे पास बी के बाद तो कोई होगा नहीं, तो मे बी 5 और 4 यहाँ पर इन दोनों में से किसी के पास आ जाए। आगे बढ़ते हैं। ए अटेंड्स द सेमिनार बिफोर ई, ई से पहले अटेंड करता है आपके पास में, क्या बोला गया है यहाँ पर, ए अटेंड्स सेमिनार बिफोर ई बट आफ्टर सी। ए आपके पास में ई से पहले कहीं ना कहीं सेमिनार अटेंड करता है और ए के बारे में आपके पास था यहाँ पर, इसी के साथ में ए वर्क्स इन ए 12 कंपनी एंड अटेंड्स एंड ई अटेंड्स द सेमिनार ऑन 20th है। भाई यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे तो ए हमारे पास यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी, लेकिन ई का यहाँ कंफर्म हो गया। ई आपके पास सेकंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो 2 साल हमने यहाँ पर लिखकर काट दिया तुरंत ही हमारे पास में ई, और हमारे पास में ए 12 का आपके पास ऑप्शन दिया गया था, दैट इज आपके पास में ए 12 यहाँ पर, ई आपके पास बिल्कुल यहाँ पर भी बन सकता है, कंफर्मेशन नहीं है। आगे देखते हैं एक बार। ओनली वन पर्सन वर्क्स इन द कंपनी ए 12, बाकी के सभी क्या है, ए 14 में काम करेंगे, दैट मीन्स केवल ए होगा जो यहाँ पर काम करेगा और कोई भी आपके पास, बाकी सब ए 14 में होंगे, ये कंफर्म हो गया। अब हमारे पास में इन सभी इंफॉर्मेशन को आपको अरेंज करना है, तो इसको देखें तो ए 12 के बाद आपके पास क्या है, बी के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई थी आपके पास, जिसमें आपको कहा गया है बी के बारे में अगर हम बात करते हैं, बी इज 9 इयर्स, बी के पास 9 साल का एक्सपीरियंस है एंड बी जो है सबसे लास्ट में सेमिनार ज्वाइन करेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो बी के पास ए से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो यहाँ पर हम 5 कर सकते हैं और इसको जो कि है 4 एक्सपीरियंस ईयर्स का दे सकते हैं, ये हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस दे दिया और ए 14 कंपनी होगी बाकी सभी की। अब यहाँ पर इसके साथ में अगर हम देखें, बी आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस कवर करता है ई के कंपैरिजन में, बी ए 12 और ई, ये था आपके पास 4 और ये 5 आ चुका है, तो ये 2 हो नहीं सकता, तो कितना साल होगा, 3 इयर्स होगा, ये यहाँ पर कंफर्मेशन आ गई यहाँ से आपके पास में। ये अरेंज हो गया, 9 भी अरेंज हो चुका है, 7 और 2 आपके पास बच जाता है, जिसमें से आपके पास बोला गया है लीस्ट एक्सपीरियंस आपके पास में और किसके पास नहीं होगा, ये डन हो चुका है। हमारे पास में सी का एक्सपीरियंस जो कि है यहाँ पर आपके पास बोला गया था, डी और सी में से डी हैज मोर एक्सपीरियंस देन सी, डी के पास सी से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो यहाँ से आपके पास में डी आ जाएगा। हमारे पास एक्सपीरियंस बच जाता है 2 और 7 इयर्स, तो ये 7 इयर्स आ जाएगा, ये 2 इयर्स, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, डी हैज मोर एक्सपीरियंस देन सी, तो डी को 7 किया और सी को 2 किया, क्योंकि रिमेनिंग आपके पास ये बच गए थे। एक बार चेक कीजिए और बताइए किस किस का सेम बना है, तो हमें डिट्टो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फटाफट से डिट्टो लिख दीजिएगा एक बार। I was waiting for your comments. Very good, Supriya Azaraz, हमारे पास में वेरी गुड, ये ऑल सभी बता रहे हैं हमें कितना कितना एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे की तरफ में, डिट्टो 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 आने लगा है, वर्षा, रजत, मीनाक्षी, समदा देकर, रजत अगेन, संजय, हमारे पास पंकज, दे ऑल आर आंसरिंग द सेम डिट्टो। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग,
अटेंड्स अ सेमिनार ऑन 19th ऑफ फेब्रवरी, मंथ भी दे दिया आपके पास में, 19th ऑफ फेब्रवरी को एज आता है जिसके पास 4 इयर्स एक्सपीरियंस है, 4 दे दिया, नहीं तो ये वाली बात भी आपको चेक करनी पड़ सकती है। फिलहाल अभी ए आपको मिल जाता है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में 1, 2, 3 एंड 4, 4 पर्सन अटेंड करते हैं, तो 4 आपको मिलता है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट आपके पास सीक्वेंस की तरफ, दैट वाज योर कोडेड इनइक्वालिटी। अगर आ जाता है तो आपको सबसे पहले इसको समझना होगा। फिर से हम बता दें, वैसे मेंस में आता है लेकिन एक बार आपको सेशन में प्री में करा देते हैं, प्री में अगर आ गया तो आप इसको स्कीप नहीं करके आएंगे, छोड़कर नहीं आएंगे। सबसे पहले कहता है इस सिंबल का जो है आपके पास मतलब है इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, लेकिन कैसे दिया गया है, सिंबल दिया गया है आपको ऐसे और रिलेशनशिप दिया गया है ऐसे। दैट मींस अगर इस सिंबल का मतलब अगर हम लेकर चलते हैं, क्यू इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, दैट मींस इसको रिवर्स करें, पी को पहले क्यू को बाद में ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंबल, दैट मींस यहां पर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू के पोजीशन पर आपके पास आएगा ये वाला सिंबल। समझ आई बात में, फिर से देखेंगे। कहता है यहां पर सिंबल दिया गया है पी बीटा क्यू, और इसका मतलब आपको दे दिया है क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी। अगर हमें पी टू क्यू में लाना है इसको, पी पहले क्यू बाद में, तो सिंबल आपके पास चेंज हो जाएंगे, दैट मींस इस सिंबल का मतलब क्या है, लेस देन एंड इक्वल्स टू। फिर से समझेंगे, क्यू इज इक्वल्स टू पी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास यहीं पे आ जाएगा, क्यू इज ग्रेटर देन पी, दैट मींस यहां पर आ जाएगा लेस देन का, रिवर्स करते जा रहे हैं, बस ये आपके पास टेबल बनेगी। बढ़ेंगे हमारे पास नेक्स्ट वाले में, हमारे पास इसी के साथ में अब आपके सामने क्वेश्चन है, टेबल हम आपके सामने स्क्रीन पर छोड़ रहे हैं, बनाकर इसको आपने चेक करना है और हमें बताना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, फिर हम आपको बताएंगे क्या होगा। आज का सेशन आपके पास है, अगर प्री में टफ वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो उनको कैसे अटेंड करना है। एक क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी के क्वेश्चन आप इसको करेंगे, उसके बाद सलॉग पे आएंगे। जी आशीष मिश्रा जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप। यहां पर आपको तीन तीन ऑप्शंस दे दिए, तो घबराना नहीं है, आपको तुरंत चेक करना है ए और हमारे पास एक्स के बीच में मिडियोकर एलिमेंट क्या है। ए यहाँ पर, एक्स यहाँ पर, डब्ल्यू से एक्स रिलेट है, डब्ल्यू से ए रिलेट है, तो हमारे पास में ए से हम डब्ल्यू गए, डब्ल्यू से एक्स आए, ये स्टेटमेंट हमने एड ऑन कर दी दोनों, एड ऑन करते ही हमारे पास एक रिलेशनशिप बन गया, ए से एक्स बिल्कुल सही हो गया। फिर से बढ़ेंगे, हमारे पास एन और डब्ल्यू में, एन एंड डब्ल्यू में अगर हम चेक करें तो एन यहाँ पर वी है, डब्ल्यू हमारे पास वी से रिलेट करता है, लेकिन वी पहले फिर बीटा फिर डब्ल्यू, लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया है वी डब्ल्यू, तो हम पहले इसको अरेंज कर देंगे, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं कांट से। फिर कहता है बी एंड वाई में चेक करो, बी एंड वी में चेक करो, तो ए से हम बी तक ना जाके हम सीधा डब्ल्यू से बी चेक करें, और डब्ल्यू से क्या है, वी भी आपको दिया गया है, डब्ल्यू से हमारे पास बी ऐसे दिया गया है, हम इसको अगर बी को पहले लिख दें तो बीटा का रिवर्स क्या होता है, दिस सिंबल, ये सिंबल यहां पर आ जाएगा, यहां पर आपके पास W, ये सिचुएशन हमने एज इट इज अटेंड की, अब हमारे पास W से V आपके पास मेंशन है, अगेन बीटा का रिवर्स आपके पास आ जाएगा V, B से दिस सेशन पे जाएं तो बिल्कुल सही, पहला और तीसरा दोनों सही है, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कोई क्वेरी किसी को, नो मैम, डन। चलिए ये वाले अब इस दो क्वेश्चंस आप एज इट होमवर्क लेंगे,
अब बढ़ेंगे हमारे सलॉक के साइड पर। सलॉक का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। समय कम है, डायग्राम हम आपको बनाकर दे रहे हैं। ओनली अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है केवल, अगर स्टेटमेंट में ओनली आ गया दैट मीन्स कंक्लूजन में फिनेंस के साथ किसी का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। कहता है केवल फिनेंस जो कि है आपके पास में इकोनॉमी के साथ रिलेट कर रहा है, या ये कहे केवल इकोनॉमी है जो कि फिनेंस होगा। ओनली अ फ्यू आपके पास पहले एलिमेंट के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों रिलेशनशिप, और दूसरे एलिमेंट के साथ सिर्फ पॉजिटिव। ओनली अ फ्यू इंडिया आर इकोनॉमी, दैट मीन्स कुछ इंडिया इकोनॉमी नहीं होगा, कंफर्मेशन। ओनली अ फ्यू इंडिया आर रिवेन्यू, दैट मीन्स कुछ इंडिया रिवेन्यू भी नहीं होगा। पहला एलिमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, लास्ट एलिमेंट सिर्फ पॉजिटिव बनाएगा। ये आपके सामने डायग्राम है। कमिंग टू द कंक्लूजंस, सम फिनेंस कैन बी इंडिया, कुछ फिनेंस इंडिया होने की संभावना है। तो अभी हमने क्या कहा, अगर हमारे पास में यहाँ पर ओनली आ गया तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा, ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। फिनेंस के साथ केवल इकोनॉमी रिलेशनशिप बना पाएगा। नेक्स्ट में कहता है ऑल इंडिया बीइंग रिवेन्यू इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे इंडिया रिवेन्यू हो जाए। यहाँ तो क्या है, इंडिया का कुछ पोर्शन रिवेन्यू डेफिनेटली नहीं होगा, तो सेकंड भी क्या हो गया, गलत हो गया। जो बच्चे पहले फर्स्ट एंड थर्ड सही कह रहे थे, अब पार्टी चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। सम इकोनॉमी कैन बी रिवेन्यू, इकोनॉमी एंड रिवेन्यू का क्या रिलेशनशिप होगा, वी डोंट हैव एनी आइडिया। कांट से प्लस में कैन बी के रूप में आ गया पॉसिबिलिटी, तो हमारे पास डेफिनेटली क्या हो गया, राइट, थर्ड ऑप्शन ओनली सही होगा। केवल थर्ड मिलता है थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। सेम ऐसे ही पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 सेकंड का टाइमर होगा, टेक्निकल टीम प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा 30 सेकंड का टाइमर। गुड विनायक, बहुत बढ़िया। सेकेंड इसलिए सही होगा बच्चा क्योंकि ओनली अ फ्यू लगा हुआ है स्टेटमेंट में, दैट मीन्स उसका कुछ पोर्शन डेफिनेटली है नेगेटिव रिलेशनशिप बनाएगा, लेकिन वहां ऑल दे दिया, ऑल के अंदर कभी भी नेगेटिव रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं हो पाता। चलिए यहां पर देखते हैं हमारे पास क्या होगा इसका आंसर। ओनली अ फ्यू, टेक्निकल टीम हमें सामने ले आइएगा लेकिन इस साइड पे मूव कर दीजिएगा। ओनली अ फ्यू पेन आपके पास दिया गया है, पेपर, ओनली अ फ्यू पेपर आर क्या है, पेन है यहां पर। नेक्स्ट कहता है इसी के साथ क्रॉस करते जाइएगा कि दैट मीन्स पेपर का कुछ हिस्सा क्या है, कभी भी पेन नहीं होगा। फिर कहता है ओनली अ फ्यू पेन इज अ पेंसिल, कुछ पेन क्या है आपके पास में, पेंसिल है, डेफिनेटली पेन का कुछ हिस्सा पेंसिल नहीं होगा। क्रॉस करते गए ताकि याद रहे कि ये ओनली अ फ्यू का केस है। नो पेंसिल इज अ प्रिंटर, ये बात आपके पास दी गई। उम्मीद करते हैं आप सबका डायग्राम ऐसा ही हूबहू बना होगा। अब कंक्लूजन चेक कर लीजिए, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं ओनली सेकंड, कुछ कह रहे हैं ए ऑप्शन, सम आर सेइंग 10 और सम आर सेइंग ओनली सेकंड ऑप्शन में नहीं है। फिलहाल देखते हैं कंक्लूजन। सम पेन्स आर नॉट प्रिंटर, पेन का कुछ हिस्सा जो कि हमारे पास पेंसिल ने कवर कर लिया वो डेफिनेटली है, कभी भी प्रिंटर नहीं होगा, बिल्कुल सही। ऑल पेपर्स बीइंग पेंसिल, सारे के सारे पेपर पेंसिल हो जाएं, भैया पेन पूरे पेपर और पेंसिल का कोई जानकारी हमारे पास तो है नहीं। कांट से स्टेटमेंट से नहीं मिला, तो कांट से प्लस पॉसिबिलिटी आते ही डेफिनेटली राइट, दूसरा भी सही हो गया। थर्ड पे चेक करते हैं, सम पेपर्स कैन बी पेन, कुछ पेपर का हिस्सा पेन ऑलरेडी गिवन है, तो कैन बी लग गया डेफिनेटली ट्रू, प्लस पॉसिबिलिटी लगते ही क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। थर्ड वन हो गया गलत, पहला और दूसरा कहां पर है, ऑप्शन नंबर
ए में मिलता है। वेरी गुड, मेजरली स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन एज एन होमवर्क के लिए। दो क्वेश्चन हमने इनइक्वालिटी के दिए हैं, एक क्वेश्चन आपको सलॉ का दिया है, और इनके आंसर आप कहाँ करेंगे हमें कमेंट सेशन में आप हमें क्या है आंसर करके बताएंगे। आंसर्स करेंगे आप हमें इन कमेंट सेशन, 2 बजे वाली क्लास में हम आपको इनका सोल्यूशन बता देंगे आज के आज ही। सो मेक इट श्योर आज का 2 बजे वाला सेशन को देखना मत भूलिएगा, जिसमें हम SBI PO, SBI क्लर्क और RBI असिस्टेंट तीनों के हिसाब से पोर्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आपके पास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अडा 24/7 टेक्निकल टीम। भाई हमारी टेक्निकल टीम नहीं चाहती है कि भी हम क्लास को फिनिश करें, आई थिंक सो। टेक्निकल टीम अगर आपकी इजाजत हो तो हम क्लास को खत्म कर सकते हैं। Whenever you start preparing for any competitive examination, you always ask this, that how reasoning for SSC is different from banking examinations, or what kind of reasoning is coming in railway examinations and different state level examinations. I'm sure many such questions are bothering our aspirants whenever they start preparing for any one day examination. But now, no need to worry. First time in the history of online education, I'm coming along with a batch which is targeting reasoning for all examinations. In this batch, I'll cover entire reasoning so that you can score maximum in all the examinations which you are targeting. In this batch, you'll get more than 110 hours of live classes, recorded videos, PDFs of those classes, more than 1000 questions to practice, and topic-wise test. So are you ready to start your journey of reasoning with me, Shitanshu Saurabh, to learn new shortcuts and techniques?